सम्मान्य प्रेम सिंह बाजोर जी, मंच पर उपस्थित जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष उदय भाया जी, भाई बलवान जी, बहन नीलम यादव जी, डॉक्टर अंजलि यादव जी, भाई मोहित यादव जी, भैया थोड़ा पिक्चर हो यार, मंच पर उपस्थित बहन संतोष जी, प्रधान पंचायत समिति बस्ती राम जी, सम्मान्य रोहतास जी, हमारे जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष भाई अशोक यादव जी, कानावास के हमारे सरपंच भाई अजीत यादव जी, और सभी लोग जिनका मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूं, सबसे पहले तो हाथ जोड़ के आपको सबको प्रणाम करता हूं। मेरा यह सौभाग्य है कि आज शहीद रविंद्र यादव जी की मूर्ति के अनावरण पे आपने मुझे आमंत्रित किया, और देश हमारे जवानों की शहादत के कारण ही आज सुरक्षित है। हमारे इलाके में इसकी एक परंपरा भी है, और इसलिए मैं उनको यहां पर नमन करता हूं। यहां पर हमारी जिलाधिकारी महोदया भी उपस्थित हैं। अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, कल बजट भी आया था, और देश के विकास के लिए, आने वाले समय के नौजवानों के स्किल और रोजगार के लिए, देश के महिलाओं के विकास के लिए एक बड़ा परिवर्तनशील बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लेकर के आए हैं। मैं कहना भी चाहता हूं, ग्राम पंचायत कानावास में आपने जो विषय और मांग रखी है, मैं जिलाधिकारी महोदया यहां पर उपस्थित हैं और उनसे कहूंगा कि आपके इन विषयों को वो पूरा करने का काम निश्चित रूप से करें, चाहे मेन डामर सड़क से ग्रेवल निर्माण का विषय हो और चाहे कानावास में हायर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान संकाय का विषय। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, इसलिए आपको ने मुझे कहा है कि नांगल मेहता से मेन रोड का डामरीकरण और सड़क का नाम रविंद्र कुमार यादव, शहीद रविंद्र कुमार यादव के नाम से हो। मेरा तो यह कहना है कि इलाके में बच्चों के पढ़ने के लिए और डिजिटल लर्निंग के लिए अच्छी ई लाइब्रेरी बननी चाहिए। आप गांव में कोई अच्छी जगह उपलब्ध कराइए और शहीद के नाम से एक अच्छी ई लाइब्रेरी बनाइए, ताकि आने वाले समय के बच्चे भी प्रेरणा ले लें, शिक्षा भी ले लें और कंपटीशन में भी आगे जाए। मैंने मेरे गांव में यह प्रयोग किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 साल के अंदर सबसे पहला परिणाम ये हुआ है कि हमारे गांव की लड़की इस बार एनडीए पास करके पहली बार नेवी में गई है। लगभग 6 बच्चे बीएसएफ में गए हैं। आईआईएम नागपुर में एक बच्ची का एडमिशन हुआ है। टीचर केंद्रीय विद्यालय में गए हैं, और मेरे को लगता है कि ये ई लाइब्रेरी एक बड़ा विषय है, इसको करना चाहिए, और ये आप मुझे प्रस्ताव लाइए, मैं निश्चित रूप से इसको करवाऊंगा। बाकी मैं आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन है इसलिए मैं जल्दी निकलूंगा, पर हमारे प्रेम सिंह बाजोर जी, रोहतास जी और हमारे फिल्लर जी, बस्ती राम जी, बहन नीलम जी, हमारी पंचायत समिति की प्रधान बहन संतोष जी, जिले सिंह जी, ये सब लोग आपके बीच में उपस्थित हैं, और निश्चित रूप से आगे भी आपके साथ मिलकर, आपके बीच में रह करके मैं आपके साथ कार्य करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।